अकबरी मंडी क्राउन बस अड्डा के करीब गैस सिलेंडर फट गया। गैस सिलेंडर फटने से गोदाम में आग भड़क उठी। आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये कहा गया है। इसरार खान वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मौजूदा सूरत हाल जानेंगे। जी इसरार, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया? अकबरी गेट का इलाका क्राउन अड्डा है, जहां पर शाम 7:30 बजे के करीब एक गैस सिलेंडरों के गोदाम में उस वक्त एक धमाका हुआ जब गोदाम के अंदर गैस सिलेंडर्स उतारे जा रहे थे। इसी दौरान एक गैस सिलेंडर ज़ोरदार धमाके से फट गया, जिसकी वजह से गोदाम में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते गोदाम के बेशतर हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया और यके बाद दीगरे कई गैस सिलेंडर फटते चले गए। ताहम इस हादसे की इतला मिलने पर रेस्क्यू 112 की टीमें मौका पर पहुंच गई। पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने जाए हादसा को सील कर दिया। किसी गैर मुतल्लिका शख्स को इस जानिब नहीं आने दिया गया, जबकि रेस्क्यू टीमों ने तकरीबन 1.5 घंटे की मुसलसल कार्रवाइयों के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा चुका है, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इस ऑपरेशन में रेस्क्यू की 13 फायर व्हीकल्स और 35 अहलकारों ने हिस्सा लिया। इस अफसोसनाक वाकये में एक राहगीर के ज़ख्मी होने की इत्तला दी जा रही है, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम पुलिस का ये कहना है कि जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात की जाएंगी कि गैस धमाका गैस सिलेंडर का क्यों हुआ, और अगर इसमें किसी की कोई गफलत पाई गई तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। जी।